नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 पे किस प्लेयर को लें और किस प्लेयर को नहीं लें और कैसे टीम बनाएं, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए हम बात करते हैं किस स्ट्रेटेजी के साथ आप टीम बना सकते हैं और जीत सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको टीम टॉस होने के बाद बनानी है, ताकि आपको मालूम रहे कि पहले कौन सी टीम बैटिंग कर रही है और कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है उसके हिसाब से। तो आपको ऐसे करना है, जिस टीम की बैटिंग आती है उनके टॉप फोर बल्लेबाज में से टॉप थ्री बल्लेबाज आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। जिसमें जो टीम बैटिंग कर रही है उसके, जैसे जोस बटलर ओपनिंग में आते हैं और संजू सैमसन आते हैं और यशस्वी जायसवाल आते हैं, पर मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल में इनका फॉर्म अच्छा नहीं है। उसके बाद में आते हैं रियान पराग, तो ये मेरे होगी टॉप थ्री बल्लेबाज। उसके बाद में हम बात करेंगे बॉलिंग की साइड की। तो मान लो कि गुजरात बॉलिंग कर रहा है पहले, तो गुजरात की तरफ से बॉलिंग करने आते हैं उमेश यादव आते हैं, ये विकेट ले जाएंगे मेरे हिसाब से, और मैं ले लेता हूँ नालकंडे को। तो ये दो मैंने ले लिए हैं बॉलर। उसके बाद हम बात करेंगे बैट्समैन की, हम बात करें तो मैं डब्ल्यू शाह को मैं नहीं ले रहा हूँ और उनकी जगह सुमन गिल को ले रहा हूँ और शाही सुदर्शन को ले रहा हूँ। और उसके बाद में हम बात करेंगे विजय शंकर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ध्रुव जुरेल को भी नहीं ले रहा हूँ। और उसके बाद में आर अश्विन को लूँगा और अमर जय को लूँगा, सेवैत्या को मैं नहीं लूँगा। और बॉलिंग में बात करें तो मैं यहाँ पर राशिद खान को लूँगा और विजेंद्र चहल को लूँगा। तो ये मेरी टीम कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है आपको। इस टीम का मैं मेरा कैप्टन रखूँगा संजू सैमसन को और वाइस कैप्टन मेरे होंगे साई सुदर्शन। तो ये है मेरी टीम कुछ इस प्रकार। आप चाहो तो वाइस कैप्टन राशिद खान को रख सकते हो और कैप्टन रख सकते हो आप जोस बटलर को, क्योंकि वो भी अभी फॉर्म में आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर संजू सैमसन को ही कप्तान रखूँगा और वाइस कप्तान मैं साई सुदर्शन को रखूँगा। तो इस प्रकार करके आप अपनी टीम में कम से कम में 10 टीम बनाना एक ही कॉन्टेक्स्ट में। आप एक कॉन्टेक्स्ट में कम से कम 10 टीम बनाना और अलग अलग कैप्टन रखना, वॉइस कैप्टन चेंज करना और एक प्लेयर को सभी टीमें मत लेना। उसके हिसाब से आप एक बैठ करके पूरा एनालिसिस करके टीम बनाना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इस टीम का मैंने कैप्टन और वॉइस कैप्टन आपको बता दी है। आप अपनी टीम टॉस होने के बाद बनाना ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।